दिख रहा है ना वीडियो, एक सेकंड हाँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए मेकअप लुक लेकर आई हूँ, वो है दुर्गा पूजा मेकअप लुक। सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं के दिन 4 दिन मेकअप लुक लेकर आई हूँ। सो आज मैं आपके साथ सप्तमी मेकअप लुक शेयर करूँगी। होपफुली आपको मेरा ये सप्तमी का मेकअप लुक पसंद आए। साथ साथ मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूँगी, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे मेकअप लुक शेयर करने में काफ़ी लेट हो रहा है, हो चुका है। सो मैं जल्दी जल्दी शेयर करती रहूँगी, सो भी आपको थोड़े बहुत जो भी हेल्प हो सके मैं ट्राई करूँगी, जहाँ हेल्प हो पाए। सो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, पसंद आया है कि नहीं, आई मीन एनी थिंग। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना ये लुक आपको, मैं जो मेकअप लुक क्रिएट करूँगी वो आपको कैसा लगा है। ओके चलो ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं, वीडियो स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट से वीडियो डाल रही हूँ। मैं सप्तमी मेकअप लुक शेयर करूँगी और साथ मैं इसमें पूरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर करूँगी। ऐसे कैसे ये मेकअप लुक होता है, मैं सबसे पहले अप्लाई करने वाली हूँ फेसेस कनाडा का अपना प्राइमर। ओके यहाँ पे मैंने सीटीएम क्लीनिंग तो पहले कर दी है, बाकी है टोनिंग की। टोनिंग के लिए मैं फेसेस कनाडा अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, वेट करना है 2 मिनट से अच्छे से ड्राई हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेम फेसेस कनाडा का मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करूँगी। मेकअप करने से पहले आपका मेकअप क्यों ख़राब हो जाता है, इतनी जल्दी जल्दी हमारा मेकअप केक ही पड़ जाता है, इवे अच्छे से रहता नहीं, ब्लैक पड़ जाता है, ग्रे वगैरह। इसका मतलब बहुत कॉमन रीज़न ये है ना, आप मेकअप से पहले कुछ स्टेप होते हैं आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। आपको मेकअप करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीनिंग करना होगा। जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं उसे अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लो। नेक्स्ट उसके बाद आपको सीटीएम करना, उसके बाद आप मेकअप करोगे ना आपका मेकअप कभी भी ख़राब, ब्लैक वगैरह कभी भी पैचेस नहीं पड़ेंगे। तो ये दुर्गा पूजा मेकअप लुक है, मैं अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करूँगी। क्यों करूँगी, क्योंकि हम लोग बहुत घूम ही जाएंगे यहाँ मैं। सो मैं यहाँ पे पर्पल का ट्रू जेल प्राइमर यूज़ करूँगी। काफ़ी अच्छा मैग्नीफाइंग मतलब फिनिशिंग देता है, मुझे प्राइमर काफ़ी पसंद है। और दुर्गा पूजा लुक के भाई थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग तो होना चाहिए ये। अच्छा आप प्राइमर ना ज़्यादातर अप्लाई करो, पूरे फेस पे जब मत अप्लाई करो, कर सकते हो बट जहाँ पे आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, जहाँ आपको पसीना जाता था उस जगह अप्लाई करो। जैसे मुझे नोज़, टी जोन एरिया, फोरहेड एरिया और यहाँ ये साइड मुझे स्वेटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं यही सब एरिया पे ज़्यादा अप्लाई करूँगी। इसमें यहाँ पे बेटर मेल का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, इससे भी मेरा डार्क सर्कल सॉरी अच्छे से हाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैं आई एम यूजिंग आई मैजिक ब्यूटी ब्लेंडर, ये काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, काफ़ी अफोर्डेबल है, इवन ये पैक जैसे ब्यूटी ब्लेंडर को कंपेयर करता है, उससे भी अच्छा है। उसी की तरह अच्छे से ब्लेंड करता है प्रोडक्ट को ना, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं ये इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मेरा भी काफ़ी फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है अपना मेबलिन 24। मेबलिन का फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, और ये 24 आवर्स तक आपके मेकअप को काफ़ी अच्छी तरीके से स्टे करता है। सो पूजा में घूमना यार, मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग तो रहना चाहिए, तभी तो फोटोज अच्छी आएंगी। देन मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी, जितनी मुझे भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा यूज़ ना करें, एकदम भर भर के ना करें, ट्राई कीजिए प्रोडक्ट को आप कम ही यूज़ करो बेटर। नाउ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ SQ का बनाना पाउडर। कितने जन कहते हैं बनाना पाउडर अच्छा है कि नहीं, डस्किन नॉर्मल स्किन से लेके डस्किन स्किन टोन के जितने भी हैं लोग, ठीक है, जिसका स्किन टोन है वो बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नॉर्मल डस्की स्किन से लेकर नॉर्मल स्किन छोड़ो, बाकी के लोग बनाना पाउडर बिल्कुल यूज़ ना करें, आपके लिए सूट नहीं करेगा। मैं वाली हूँ आई मेकअप, क्योंकि आई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। ओके इसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ अपना लैक्मी का आइकॉनिक वाला काजल पेंसिल है मेरा, इसी से ही मैं अप्लाई करूँगी। रफ लाइन क्रिएट करना है गाइस काजल के लिए। तो काजल मेरा टूट गया, पर मैंने एक रफली सा ड्रॉ किया है। ये पॉइंटेड ब्रश है, बुलेट ब्रश इसे कहते हैं, बुलेट ब्रश से मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। क्रीज एरिया के ऊपर नहीं ले जाना, ज़्यादातर ड्राई के नीचे रखने के लिए। ये थोड़ा फैल गया है गाइस, इसका रीज़न ये मेरा काजल टूट गया था इस वजह से, बट सोचिए वो मैं अभी ठीक कर लूँगी। मिनिमम प्रोडक्ट से मेकअप लुक क्रिएट करूँगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे आई शेडो है,
बट फिर भी यहाँ पे जो भी बहुत सारे ऐसे लोग जो YouTube में हमें देखते होंगे, बस इतने सारे प्रोडक्ट नहीं होते, कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट होते, तो वो सोचते हैं ना कि इन्हीं प्रोडक्ट से वो अपना मेकअप क्रिएट करे और एक्स्ट्रा ना लेना पड़े। तो मैं इन्हें बता दूँ, अगर आपके पास कंट्रोलिंग पैलेट है ना, लाइक ऐसा मेरे पास जैसा है कंट्रोल ब्लशर हाईलाइटर, उससे भी आप अच्छे से नो आई शेडो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोलिंग पैलेट के लिए ब्राउन कलर ले रही हूँ, कलर ऐसे लिया एक्स्ट्रा कलर टैप ऑफ, यहाँ पे रखो, यहाँ पे इनर पे या आउटर वे पे आती है हमारी कंट्रोलिंग की। अपने फेस को एक अच्छा शेप देने के लिए देते हैं। अच्छा, अब कंट्रोलिंग भी आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों? उसका एक रीज़न है। मेरा फेस देखो कि यहाँ से थोड़ा गोल है, नीचे से ऐसे ऐसे निकला हुआ है, तो इस फेस में जो मेरा फेस है, मेरे फेस के जो शेप के लोग होंगे वो कंट्रोलिंग करेंगे। इनकेस किसी का ओवल फेस है, गोल फेस है, वो क्या मेरी तरह का कंट्रोलिंग करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, वो देखने में अजीब लगेगा। उस फेस के लिए भी अलग टाइप का कंट्रोलिंग होता है। अच्छा, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी, वो मैं पूरा डिटेल्स में बता सकती हूँ, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। बट अभी मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ करते कहाँ है। ये जो हमारे कान का है ना, ये जो छीदा यहाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ बस नहीं करना है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लशर यूज़ करूँगी। अच्छा, ब्लशर के लिए जो मैं थोड़ा जोगी का ब्लशर लूँगी, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बट ठीक है, ओके ओके टाइप का है, नॉर्मली ऐसे हल्का फुल्का, ठीक है। स्माइल करना है तब कंट्रोल करना है, ब्लशर अप्लाई करना है, ये बात आपको पता है। देन मैं इसे अप्लाई करती हूँ, लैक्मे का काजल अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आईलाइनर नहीं अप्लाई करी, क्योंकि मैं स्मोकी आई मेकअप में नॉट नेसेसरी कि आपको आईलाइनर अप्लाई करना है कि नहीं, ज़रूरी नहीं, आप नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ काजल अप्लाई करूँगी। सो इस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी, काफ़ी अफोर्डेबल में काफ़ी अच्छा मेकअप फिक्सर है, एक इंच दूर रख के अप्लाई करना है गाइस, पूरे फेस पे अप्लाई करना है गाइस, इवन अप्लाई करना, ये नहीं इस साइड ज़्यादा इस साइड कम, नहीं, पूरा इक्वल होना चाहिए। तुरंत ही हाइलाइटर अप्लाई कर देना है, तुरंत ही हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, इससे क्या होगा जो हमारा हाइलाइटर है काफ़ी अच्छी तरीके से उभर के आएगा। यहाँ पे मैं मेबलिन का ही हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, सीधा डिफरेंस यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे नहीं, एकदम लाइट हाईलाइट करूँ। हाँ, पे फॉल्स लेसेस यूज़ करूँगी, फिर मैंने जो फॉल्स लेसेस ये नॉर्मल 25 रुपया का मैंने लिया था, इसी के ग्लू के साथ अप्लाई करूँगी, और इसे अप्लाई करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम हलबलाई के बाद। ओके, फॉल्स लेसेस अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना हीवी वाला लुक फॉल्स लाइम, यहाँ पे जो मैं फॉल्स लेसेस यूज़ की ना गाइस, थोड़ा हीवी लुक मैंने क्रिएट किया है फॉल्स लेसेस। देन मैं यहाँ पे सिटला का एक लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, बहुत प्यारा सा ना मैरून सेड है, तो मेकअप ड्रेस लाइट पर मेकअप थोड़ा सा हाई है। अब मैं अपने जो भी इनर कॉर्नर को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लूँगी, अब मैं आपको फुल रेडी होकर मिलती हूँ। मेरा फुल एंड फाइनल मेकअप लुक, जिसे मैंने एकदम झटपट 10 मिनट के अंदर क्रिएट किया है, ज़्यादा टाइम मैंने इसे नहीं लिया, आप इसे देख सकते हो, एकदम सिंपल वे में मैंने किया है। यहाँ पे जो मेकअप मैंने बहुत लाइट रखा है, जो अपना फाउंडेशन बेस वगैरह काफ़ी लाइट रखा, आई शैडो को मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया, अपने आईज पे थोड़ा फोकस किया और लिप पे फिर मैंने थोड़ा हेवी आई मेकअप किया और जो लिपस्टिक थोड़ी बोल्ड अप्लाई की है मैं। सो ये रहा मेरा फुल एकदम फाइनल मेकअप लुक, होपफुली आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आए। मेकअप लुक पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जब सब्सक्राइब करोगे तो बगल में बेल आइकन दिया ऐसे प्रेस कर देना, क्या होगा ना जो भी वीडियो मैं डालूंगी अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो गाइस, उन्हें फिर मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।